जो मौजूद है वो राजनीति का, हम ये कह सकते हैं कि राजनीति का एक युवा चेहरा है और कई एस्पेक्ट्स उसकी पर्सनालिटी के हमने देखे हैं। वो एक अच्छे रसूखदार राजनीतिक परिवार से भी आता है, वो अध्यात्म में भी उतनी रुचि रखता है जितनी वो राजनीति में रुचि रखता है, और हमने देखा है कई बार उसका बहुत शांत रूप भी देखते हैं और कई बार वो बहुत रौद्र भी हो जाता है, कई बार वो बहुत गुस्से में भी आ जाता है। आपने ठीक पहचाना, बिहार से इस वक्त हमारे साथ तेज प्रताप यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत कीजिए तेज प्रताप जी, आपका तेज प्रताप जी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तेज प्रताप, कुछ दिन पहले हमने देखा, अभी दो दिन पहले हमने देखा टिकट वितरण हो रहा था, उसको लेकर के कुछ नाराजगी थी। आप लगातार कहा कि नादान वो लोग हैं जो मुझे नादान समझते हैं, कौन कितना पानी में है सबकी खबर है मुझे। तो तेज प्रताप यादव, मेरे इस कॉन्क्लेव का नाम है डीएनए 2019, यानी कि इंडिया का डीएनए। तो तेज प्रताप की नजर में 2019 में कौन कितना पानी में राजनीतिक तौर पर? ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में जो पार्टी का वर्कर है, जो मेहनती वर्कर है और जो पार्टी को सींच रहा है और जो राष्ट्रीय जनता दल को ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए जो उसका वो पूरा उसका परिवार लगा रहता है और अपने पार्टी को और अपने देश को और ऊंचाइयों तक ले जाने का जो सपना देखता है और वो काम भी करता है, तो ऐसे लोगों को हमने उम्मीदवार घोषित करने का काम किया है। देश में बुराई क्या किया है? हमने ये लालू जी से भी और आदरणीय तेजस्वी जी से भी हमने मांग किया कि हमारा जो कैंडिडेट है निष्पक्ष है और युवा है और मेहनती है, तो ऐसे लोगों को रिस्पांस लिया जाए, ऐसे लोगों को पार्टी में स्थान दिया जाए। तो हमने अपने लोगों के लिए स्टैंड लेने का काम किया, तो इसमें गलत क्या है? तो लेकिन आपकी बात तो मानी नहीं गई, इसलिए आपने इस्तीफा दिया। तो इन दो जगहों पर क्या इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे या समर्थन करेंगे, या फिर भी पार्टी विरोध ना कर करके पार्टी के साथ रहेंगे और यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा, अपनी इच्छा शक्ति दबा लेंगे? हम आपको बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लालू राबड़ी करके हमने मोर्चा बनाया है। लालू राबड़ी मोर्चा बना करके पूरे बिहार में पूरे 20 सीट पे हम घूमने का काम करेंगे, जहां जहां निर्दलीय जो निष्पक्ष हो करके और इस देश को आगे बढ़ाने का जो युवा जो नौजवान जो काम करेगा। लालू राबड़ी मोर्चा बना दिए हैं, लालू मोर्चा राबड़ी बना करके हम पूरा जितना 20 सीट पे जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां वहां जो जो अपने लोग हैं जो जो बिखर रहे हैं उन लोगों को मैं इकट्ठा करने का काम करूंगा और मैं घूमने का काम करूंगा उन लोगों के लिए। यानी कि भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 15-15, 20-20 साल से नहीं, 15-15, 20 साल से जो पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए, पार्टी का मामला आएगा तो पार्टी का मामला के लिए सबसे पहले है कि पार्टी का वर्कर जो पार्टी को सींचने का काम करता है, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं लड़ने का काम करूंगा। मैं शुरू से हमारा एजेंडा रहा है, पिछला बार भी पार्टी में एक दलित चेहरा था, उसको 15-20 साल से पार्टी में काम कर रहा था, उसको किसी भी तरीके का कोई पद नहीं मिला, तो उसको हमने पद दिलाया था। तो हमारा साफ एजेंडा है कि ऐसे लोगों के लिए मैं आवाज उठाने का काम करूं, और ये पब्लिक का डिमांड है। शिवहर से हमने अनाउंस किया था अंगेश का और चंद्र प्रकाश का, जो कि जहानाबाद से थे, तो वहां की पब्लिक हमसे डिमांड की थी, वहां की महान जनता हमसे डिमांड की, तब हमने रिस्पॉन्स लेने का काम किया। ये जो हमने चोला जो पहना है, कुर्ता पैजामा, ये पब्लिक देती है, अब पब्लिक चाहती है तो उसको उतार भी सकती है, पब्लिक को पूरा अधिकार है। नहीं, लेकिन जब आप 20 सीटों पर समर्थन मांगने जाएंगे तो या तो भाई का हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि 20 सीटों पर तो आरजेडी के कैंडिडेट्स हैं, वो लड़ रहे हैं, जिस 20 सीटों का अलॉटमेंट हो महागठबंधन को मजबूत करेंगे, या फिर उन 20 सीटों पर आप जाएंगे तो फिर 20 सीटों पर फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि आप वही व्यक्ति जो चाहते थे इन दो सीटों पर अपना और पार्टी ने आपकी बात ही नहीं मानी, फिर ये तो बीच की स्थिति नहीं हो जाएगी।
नहीं देखिए, हमारा जो साफ एजेंडा हमने फाइनल कर लिया है क्या है, जो 20 सीट जहां जहां से जो निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं उनसे मैं संपर्क किया हूं और लोग हमसे भी संपर्क करने का काम किए हैं, और जहां जहां इन लोग का लालू राबड़ी जब हमने मोर्चा बनाया है तो वही समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल का एक ये पार्ट है, तो ऐसे लोगों के लिए हम अपना बात को रखने का लेकिन काम करेंगे। तेज प्रताप वो लड़ेंगे तो आरजेडी या महागठबंधन के कैंडिडेट के खिलाफ ही ना, बात क्या मैं ये मानूं? अब कैंडिडेट के खिलाफ मानिए या चाहे जो मानिए, निर्दलीय वो निर्दलीय होता है, किसी दल से नहीं होता, वो निर्दलीय है, निष्पक्ष है। यानी बिहार में महागठबंधन के खिलाफ, आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन के खिलाफ लालू राबड़ी मोर्चा, लालू राबड़ी मोर्चा हम बनाएंगे और उसी जरिए हम बिहार में पूरा घूमने का काम करेंगे हम। नहीं लेकिन ऐसा क्या हुआ, कैंडिडेट जो भी समर्थन मांगने का काम करो उसको समर्थन हम देने का काम करेंगे। नहीं लेकिन एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, आप तमाम पार्टी की मीटिंग्स में भी मैंने देखा, एकदम जैसे महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगती है, दो सीटों का जिक्र आता है, ऐसे क्या हालात बिगड़ गए कि तेजस्वी आपको बना नहीं सके, या आपको लगा कि अब पानी सिर के ऊपर चला गया कि 20 की 20 जगहों पर निर्दलीय खड़ा कर देते हैं? नहीं, पिछले बार भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी हमने, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे पिता जब जेल से बाहर थे, घर पे थे, तब हमने हमसे जो पार्टी के वर्कर थे, जो काम करने वाले लोग हैं, जो पार्टी को सींच रहे हैं, खून पसीना बहाने का काम करते हैं, वो लोग हमसे मिले और वो उन लोगों को भी हमने समर्थन दिया। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को हमने उनका नाम दिया कि इनको पिताजी टिकट देने का काम कीजिए, जो कि पार्टी को आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको नाम भी बता दूंगा, ये अलौली हैं, चंदन राम हैं, अलौली के विधायक हैं, वो पशुपति रामविलास जी के भाई को हरा करके वहाँ के विधायक बने, उनको भी हमने भी पार्टी में स्थान देने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया। फिर से सरोज हैं बढ़ारा के, उनको भी हमने पार्टी में स्थान देने का काम किया। फिर से संजय हैं काराकाट के, इनको भी हमने पार्टी में स्थान देने का काम किया। पार्टी कहेगी नहीं कि ये तो पार्टी विरोधी काम हुआ। लोग हैं जो पार्टी एक तरफ पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी के साथ ही मोर्चा बनाते हैं और दूसरी पार्टी के साथ ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं, तो बागी तेवर हुए। बागी तेवर समझिए चाहे जो समझिए, जो सच्चाई है मैं सच्चाई के साथ रहता हूं। जरूरत पड़ी तो नहीं, जरूरत पड़ी तो नहीं पार्टी बनाएंगे। जो मेरे दिल में रहता है वही मेरे जुबान पर रहता है। नहीं, पार्टी वार्टी तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम मोर्चा के जरिए अभी जो जिस तरीके का हालात बना हुआ है उसको हम लेकर के चलने का काम करेंगे, पार्टी में नहीं बनाऊंगा। चुनाव लड़ने जा रहे हैं तेज प्रताप का छपरा से? चुनाव लड़ने जा रहे हैं छपरा से इस बार के? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो रहा बात छपरा का, तो छपरा का जो सारण का जो सीट है उस शुरू से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का है, किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं है, ये किसी का पुश्तैनी है क्या कि इस सीट को ले लेगा कोई, इससे हम निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप ये घोषणा कर रहे हैं कि छपरा से आप चुनाव लड़ेंगे, अगर आरजेडी का कोई कैंडिडेट होगा उसके अगेंस्ट भी? कोई भी आरजेडी का भी कैंडिडेट रहेगा उसके अगेंस्ट भी हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे हम, क्योंकि ये शुरू से सीट लालू परिवार का रहा है, ना ही किसी और का रहा है, ये लालू परिवार का सीट रहा। या तो हमारी माता श्री वहां से चुनाव लड़ी है, या तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ही चुनाव लड़े हैं। तो 2019 में क्या देख रहे हैं आप बिहार में, महागठबंधन का क्या प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि दो युवा चेहरे, एक तरफ आपके भ्राताश्री हैं और साथ साथ राहुल गांधी, दोनों ने हाथ मिलाए बिहार में, इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्ट है 2019 महागठबंधन का बिहार में? देखिए, हम नहीं जानते हैं क्या है उन लोगों का, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपना स्टैंड खुद जानते हैं कि हमको क्या करना है और अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हम जानते हैं। उनका क्या है क्या नहीं है, जनता चाहती है जो, उसका मैं अपना काम, अपना दायित्व को पूरा करने का काम करूंगा, शुरू से मेरा यही एजेंडा रहा है। और आपके इस स्टैंड के साथ हैं लालू प्रसाद यादव या राबड़ी जी, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप तो इंडिपेंडेंट 20 की 20 जगहों पर आएंगे, तो वो इस चीज से एग्री कर रहे हैं या आपके साथ हैं, या आपको लग रहा है आपको अभी भी मनाने की वो कोशिश कर रहे हैं?
देखिए हम आपको बता देते हैं कि ये लोकतंत्र है, अब जनता मालिक होती है। लालू जी भी यही बोलते हैं कि जनता मालिक होती है, जनता सब कुछ करती है, तो इसलिए हम जनता का साथ देने का काम करेंगे। सबसे पहले हम जनता का जो आशीर्वाद और प्रेम, मैं कहीं भी, मैं बदलाव यात्रा भी लगाने का काम किया था तो जनता का पूरा हुजूम, पूरा भीड़, यहाँ तक कि जहानाबाद में भी पूरा हुजूम और जनसैलाब था। एक ही गो आदमी को आप बताइए, एक ही गो आदमी को, सुरेंद्र यादव को बार बार उसको टिकट दिया जाता है और तीन तीन बार वो चुनाव हारने का काम करता है। हम युवा का बात करते हैं, हम दलित का बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्यों नहीं आगे लाने का काम करेंगे? और ऐसे लोगों के लिए हम खुलेआम लड़ाई करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों को आगे तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। तो कौन है आपकी पार्टी में जो जनता की आवाज नहीं सुन रहा है, जनता की आवाज आगे नहीं आने दे रहा? जब नहीं पार्टी में और तेजस्वी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैंने पिछले बार भी कहा, हेलीकॉप्टर में उड़ करके बर्थडे मनाया जाता है और ये लोग हैं कौन? ये लोग कौन है जो बने हुए हैं? यही लोग उल्टा फुल्टा वहाँ बैठ करके इस तरीके का काम करने का काम करते हैं। हम उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो सब जानते हैं, वो आप भी जानते हैं और पब्लिक भी पूरी तरीके से जानती है कि कौन 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 भाई भाई को लड़वा रहा है, कौन लालू फैमिली को लड़वाने का काम कर रहा है। मैंने शुरू से बोला है। तो अगर जरूरत पड़ती है, अगर जरूरत पड़ती है, आप तो जनता की भलाई की काम कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए आपने कहा कि आप सब चीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जरूरत पड़ती है तो भाई भाई के खिलाफ खड़ा होगा क्या राजनीति में? देखिए, भाई भाई के खिलाफ खड़ा होगा क्या होगा नहीं होगा ये तो पब्लिक जानती है कि क्या है, क्योंकि शुरू से हम तेजस्वी को अपना छोटा भाई माने हैं और उसको हर एक चीज बोले हैं। तेजस्वी मेरा अर्जुन भी है, ये भी हम बोले हैं और उसको ये भी बोले हैं, उसको अभी भी हम आशीर्वाद देते हैं कि खूब ऊंचाइयों तक जाए और वो उसको हम ये भी बोले हैं कि मुख्यमंत्री बने और उसका उसको आगे बढ़ना है और पूरा जनता का, क्योंकि सबको दायित्व जो मिला है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो खेती जो किए हैं उसको हम दोनों भाई अच्छे तरीके से सींचने का काम किए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भी तेजस्वी को बता देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से वो चौकन्ना ना रहे। नहीं, लेकिन फिलहाल तो उसने यूं कहना कि दो सीटें आपको देने के अलावा अगर किसी को चुनना था तो उन्होंने महागठबंधन को चुना। फिलहाल तो संदेश साफ दे दिया ना? नहीं नहीं, देखिए महागठबंधन को चुना वो अलग है, उनका वो स्टैंड हो सकता है, लेकिन जो पार्टी से जो मेहनत कर रहा है, जो वर्कर है, हमने तो ये कहा, तो वो आदमी कहां जाएगा? आप बताइए कहां जाएगा वो आदमी? अगर हमारे पास आया, गुहार लेकर के आता है, हजार जनता से मिलते हैं, जनता दरबार भी हम लगाने का काम करते हैं, हजार लोग मिलता है, अपना समस्या को लेकर के आता है, पब्लिक रहती है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे अगर ये लोग डिमांड करते हैं तो? ठीक है, तेज प्रताप, थोड़ा सा हमेशा शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल एक ही वो आदमी को दे। तेज प्रताप, थोड़ा सा आपको राष्ट्रीय राजनीति की तरफ लेकर के आते हैं अब यहां से, क्योंकि आप भी युवा हैं, आप भी, आपने कहा कि जरूरत पड़ेगी कंटेस्ट करेंगे, आपके भाई भी युवा हैं, वो तो बिहार की राजनीति में अभी ऊपर आने, आप किस तरीके से देखते हैं अपना रोल 2019 में देखते हैं, क्या सेंटर की राजनीति में, क्या दिल्ली आना चाहते हैं, या फिर 2019 का आपकी नजर में डीएनए क्या है? नरेंद्र मोदी वर्सेस रेस्ट है, महागठबंधन है, क्या है? अरे नरेंद्र मोदी जी से तो हमारी लड़ाई है ही, आरएसएस बजरंग दल इन लोग से, तमाम लोगों से हमारी लड़ाई है, लेकिन मैं बिहार का पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ और मैं बिहार में रहना चाहता हूँ। मैं शुरू से मैंने ये कहा, क्योंकि अगर इस तरीके का होगा, अगर जो सारण सीट की जो आपने जो बात की थी, अगर इस तरीके का होगा कि बाहरी व्यक्ति को अगर किसी को मिलेगा तो तेज प्रताप यादव उसका विरोध करने का काम करेगा खुलेआम। तेज प्रताप, बाहरी व्यक्ति को अगर मिलेगा तो तेज प्रताप यादव उसका खुलेआम वहां विरोध करने का काम करेगा और उस सीट को हम मेहनत करके और पूरे तरीके से सींच करके, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस सीट को सींचने का काम किए हैं और वहाँ की छपरा की महान जनता को, और वहाँ पर रेल चक्का कारखाना उन्होंने देने का काम किया आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, तो उस सीट से भी हम चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है तेज प्रताप, मुझे सेशन खत्म करना है, मैं सिर्फ एक एक शब्द आपके लिए बोलूंगा, आप एक ही शब्द में अगर उसे जवाब दे सके, इसे हालांकि रैपिड फायर कहते हैं, लेकिन क्योंकि आप युवा हैं इस कारण से मैं आपका भी एक पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं, तो संक्षिप्त में करेंगे, अगर मैं सिर्फ एक शख्सियत का नाम लूंगा और उसका नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है, आप एक जो है एक शब्द का उत्तर मुझे दे सकते हैं। पहला नाम है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी युवा हैं,
वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं और जितने भी युवा हैं सब अपने अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पांचों उंगली एक जैसा नहीं होता सब। नरेंद्र मोदी जी को आप देख लीजिए कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी, पहले तो नरेंद्र मोदी जी को हम रिस्पेक्ट करते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से युवाओं को जो ठगने का काम किया है उसके हम लोग खिलाफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी पूरे तरीके से नौजवानों को असदुद्दीन ओवैसी हेलो देखिए जितने भी नेता हैं आप जितने नेता का आप नाम गिना रहे हैं तमाम नेता अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एक युवा होने के नाते युवाओं का हम आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी भी युवा हैं और हमारे छोटे भाई हैं वो भी अपने तरीके से काम करने का काम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपना काम कर रहा है। नहीं लेकिन ठीक है, लेकिन आपने एक जरूर कहा कि तेजस्वी अपने तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो पार्टी में आपकी बात उनको मानने नहीं दे रही या फिर जनता की जो एस्पिरेशंस हैं उनको नहीं समझ पा रहे। अगर जरूरत पड़ी शुरू से रहा है और चुनाव जो है छपड़ा से लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ने से वहां कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रताप सिंह, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ ये बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।